हाय गाइस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.5। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ऑपरेशंस ऑफ सेट, वहां पर हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस देखा था और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी वहां पर डिस्कस की थी। और एक सेट हमने वहां पर और डिफाइन किया था, वो था डिसजॉइंट सेट। नाउ आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.5 में दो न्यू टॉपिक सीखेंगे। एक हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और दूसरा टॉपिक है वेन डायग्राम। नाउ दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का यूज हम प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं और वेन डायग्राम का यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी चैप्टर में देखेंगे वेन डायग्राम का यूज़, और दोनों ही टॉपिक की आपको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ तो टाइम को वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक में ले रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा था। हम वहाँ पर क्या करते थे, किसी भी चीज़ के हैपन होने की चांस फाइंड करते थे। लेकिन हमने वहाँ पर एक बात ये भी देखी थी कि अगर कोई चीज़ हो रही है, उसके हैपन होने के चांस है, तो उसके ना हैपन होने के चांस भी हम वहाँ पर फाइंड करते थे, जिससे हम प्रोबेबिलिटी होने के चांस को पी ए से शो करते थे। तो प्रोबेबिलिटी ना होने के चांस को हम पी नॉट ए से शो करते थे। वहाँ पर अगर कोई एग्जाम्पल लें तो किसी कॉइन पर हेड आने की चांस हम फाइंड करते थे वहाँ पर, तो हेड ना आने की चांस भी हम वहाँ पर उसी से फाइंड कर लेते थे, वन में से माइनस कर। या फिर किसी बैग में से हमको रेड कलर की बाल निकालने के चांस फाइंड करना होते थे, तो हम रेड कलर ना आने की चांस भी वहाँ पर फाइंड करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में भी है। जैसे मैं यहाँ पर एक सेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास कोई सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट लेता हूँ 1, 2, 3 और 4। अब ये एक सेट ए है जिसमें चार एलिमेंट है मेरे पास 1, 2, 3, 4। अब अगर मुझे ये शो करना है कि एक सेट ए नहीं है, तो मैं यहाँ पर नॉट ए को किस टाइप से शो करूँगा, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की। हमने दो लेक्चर पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। ऐसा सेट जो सारे रिलेटेड सेट से मिलकर बना, उसको हम बोलते थे यूनिवर्सल सेट। और वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे अलग अलग सेट जो आपस में रिलेटेड नहीं है, उन पर अगर हमको वर्क करना हो तो हम यूनिवर्सल सेट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में भी यूनिवर्सल सेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सेट भी डिफाइन कर रहा हूँ, यू इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट। नाउ तो मैं यहाँ पर जितने भी सेट लूँगा ए बी सी डी इससे रिलेटेड, उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो आप देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो अगर मुझे यहाँ पर शो करना है नॉट ए को, मतलब कि ए के कोई एलिमेंट यहाँ पर शो ही ना हो, तो आप देख रहे हैं लॉजिकली आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट में अगर ए के एलिमेंट यहाँ पर शो नहीं होंगे, तो फिर बाकी बचे कौन से एलिमेंट शो होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8 और 9, ये एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। तो अगर मुझे नॉट ए शो करना होगा, तो मैं क्या करूँगा कि उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक, कि यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट को मैं हटा दूंगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर, अगर एक एलिमेंट मैंने यहाँ से हटा दिया 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ जो बचेगा 5, 6, 7, 8 और 9, इसको हम बोलेंगे नॉट ए, और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करते। जब भी हमको कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम ए के ऊपर या तो सी इस टाइप से लिख देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर एक डैश खींच देते हैं, इसको भी हम बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए के ऊपर एक बार खींच देते हैं। ये तीनों तरीके हो गए ए के कॉम्प्लीमेंट को शो करने के। ठीक है, तो जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज़ इसको करते हैं। ठीक है, ए का डैश, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, जिससे ए का मतलब होता है कोई सेट, और ए डैश का मतलब हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई सेट ए नहीं है उसको हम ए डैश से शो करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई चीज़ ए है, तो उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई चीज़ ए नहीं है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश से इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को किस टाइप से फाइंड किया था, सिंपल सा क्या मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को हटा दिया, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड हो गया। ये जो आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कैसे फाइंड किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दिया। तो आपको मेन बस यही याद रखना है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना हो, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है,
इसका मतलब आपको जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा वहाँ पर आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया जाएगा, तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको मेन यही याद रखना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दें। अब बात करते हैं कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो अगर हमको एक कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना हो तो उसके पहले हमको ए को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए को हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे, एक्स सजेट एक्स, ए में आप देख रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। और कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट का रेफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पर भी ए को भी हम यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। आप देख रहे हैं कि ए में जो भी एलिमेंट 1, 2, 3, 4 वो यू में भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हमको यहाँ पर शो करना पड़ रहा है कि एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। और आप देख रहे हैं कि जो ए के सेट में एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है, तो हमको यहाँ पर ये भी शो करना पड़ेगा एंड जो एक्स है वो ए को भी बिलोंग करता है। तो ये अभी हमने किसको रिप्रेजेंट किया, ए को। अब इसका ही रेफरेंस लेकर हम ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। आप देख रहे हैं कि जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था यहाँ पर, ये ए कॉम्प्लीमेंट ही है, नॉट मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 वो यूनिवर्सल सेट में भी ऑलरेडी है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू यू। एंड लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने इसी चीज़ से इसको डिफाइन किया है, इसलिए हमने सबसे पहले ए को यहाँ पर डिफाइन किया था, देन हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एक्स आ रहा है उसके जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन वो सेट ए में नहीं है। और आप देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल कि 5, 6, 7, 8, 9 यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी या रूल्स देख लेते हैं, जैसा कि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में भी देखी थी। ये प्रॉपर्टीज आपको कोई याद नहीं करना है, बस आपको आना चाहिए कि इसको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसमें दो रूल है कि हम जिससे कोई सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो हमको क्या मिलेगा, और अगर कोई सेट ए है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन करें तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए 1, 2, 3 और 4, ये सेट लेता हूँ जैसे मैंने अभी लिया था, और एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, क्योंकि अगर हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो यूनिवर्सल सेट लेना ज़रूरी है। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, देन अब हमको एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तभी तो हम इसका यूनियन कर पाएंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट किस टाइप से फाइंड करते हैं, यू में से ए के एलिमेंट को रिमूव करके। तो क्या हो जाएगा, यू में से एक एलिमेंट को हटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए में 1, 2, 3, 4 है, तो यू में से अगर हम इसको हटा दें 1, 2, 3, 4 को, जो बचेगा वो हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हो गया 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, देन अब मैं यू माइनस ए को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। देन अब अगर हमको ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है, तो यूनियन क्या होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट उसमें आ जाए, और जो रिपीट है उसको हम हटा देते हैं। तो अगर हम ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 ए के सारे एलिमेंट हमने लिख लिए और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे, कोई रिपीट तो हो ही नहीं रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया तो हमको जो ये सेट मिल रहा है ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही है, सेम टू सेम है। तो हम यहाँ पर इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट ना। तो आपने देखा एक रिजल्ट हमको मिल गया कि हम जब भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो हमको हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, देन अब हम ये वाला रिजल्ट देखते हैं कि हमको इसमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उनको ही लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ये ए वाला सेट और ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें तो हमको कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है,
इसका मतलब ये हमको क्या मिलेगा, खाली सेट ही मिलेगा, एक भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो खाली सेट को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो जब भी हम किसी सेट का उसे कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको हमेशा एम्प्टी सेट ही मिलेगा, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। देन ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब हम इसका देखते हैं सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने यहाँ पर एक सेट ए लिया हुआ है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इस टाइप से ये हमको यहाँ पर देखना है ना। तो इसको समझने के लिए हम पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेट हमने लिया था 1 2 3 4, ए वाला यूनिवर्सल सेट इसी को ले लेते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है 5 6 7 8 9। देन अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो इसी में, तो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो जो एलिमेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 5 6 7 8 9, ये अब यूनिवर्सल सेट से हमको रिमूव करना पड़ेगा तो ही हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर पाएंगे। तो इस बार यूनिवर्सल सेट से क्या रिमूव होगा, 5 6 7 8 और 9, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 ना। तो एक चीज़ आपने देखी कि जब भी हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको फिर से वही सेट मिल जाता है। जैसे हमने ए सेट हमको दिया हुआ था, इसे कॉम्प्लीमेंट किया तो हमको मिला 5 6 7 8 9, और अगर हमने इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो हमको फिर से वही सेट मिल गया 1 2 3 4, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो हमको फिर से वही सेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर हमको ये याद हो गया तो हमको बार बार इतना करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ आएगा हम वहाँ पर डायरेक्ट ए लिख देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड लॉ देखते हैं हम इसका। थर्ड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको प्रूफ करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसका प्रूफ मैं यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये लॉ भी बहुत सिंपल और बहुत यूजफुल है, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको। क्या है ये वाला लॉ कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी पूरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेपरेट तरीके से दोनों के कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, अगर हमने यहाँ पर यूनियन लगाया है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिमिलर तरीके से एक और है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पर यूनियन है तो इस साइड ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इस साइड आके ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही लॉस बहुत यूज़फुल है और आगे बहुत ज़रूरत पड़ती है हमको इसकी, ठीक है, बार बार हम यूज़ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को ना। तो इसका वेरिफिकेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रियल में इसके इक्वल होता है या नहीं, इसका प्रूफ मैं यहाँ पर अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेट ले लिया मैंने ए, छोटा ही सेट ले रहा हूँ 1 2, देन एक सेट ले लिया मैंने बी 3 4, देन एक यूनिवर्सल सेट ले लिया इसके लिए 1 2 3 4 5 और 6। देन मैं यहाँ पर सिर्फ एक को वेरीफाई करके बता रहा हूँ, सेकेंड वेरीफिकेशन हम अभी क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी। तो यूनियन में क्या होता है कि ए के भी एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए, तो ए के एलिमेंट में लिख लिया 1 और 2, और बी के एलिमेंट क्या हो गए 3 और 4, कोई कॉमन था ही नहीं तो वो रिमूव होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस करके, मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट हम रिमूव कर दें। तो यहाँ से अगर 1 2 3 और 4 को रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 और 6, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है, मतलब कि हमने लेफ्ट साइड वाला फाइंड कर लिया है, अब राइट हैंड वाला फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ए यहाँ पर 1 2 दिया है, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 1 और 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 4 5 और 6, तो 3 4 5 और 6 बचा। देन यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो बी के एलिमेंट 3 और 4 है जो कि हम यू में से रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा 1 2 5 और 6,
देन अब हमको इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हमको यहाँ पर निकालना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से दिख रहे हैं आपको? सिर्फ 5 और 6 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 और 6। नाउ तो आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट वाला हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, सेकेंड वाला हम एक्सरसाइज में वेरीफाई कर देंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला लॉ, और ये सबसे आखिरी लॉ है इसका। ये वैसे आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व कर सकें। धीरे धीरे आपको ये दिमाग में ही बैठ जाएंगे, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे कि इसका इक्वल ये होता है। ये है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें हमको क्या करना है, जो एम्प्टी सेट है 5, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है U, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब आप सोचो कि अगर एम्प्टी सेट है और उसका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे? मतलब कोई खाली सेट है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया B, ये खाली सेट है, और अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर देते हैं। तो जब हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे खाली सेट को, तो क्या मिलेगा हमको? हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि खाली सेट को माइनस करने से यूनिवर्सल सेट पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो जब भी हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक बार और समझा देता हूँ कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से कोई खाली सेट को यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये रूल याद रखना है, और अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ना। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था तो हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते थे, लेकिन अब तो हमको यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको हम किस टाइप से फाइंड करेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ए है, और अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था, तो हम क्या करते थे? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसको भी हम काय में से माइनस करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर यू में से ए को माइनस किया, ऐसा यहाँ पर हम यू में से यू को ही माइनस कर देंगे। और आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को अगर हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सीधे हमको जो मिलेगा वो सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट, खाली सेट ही मिलेगा। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एक सेट लिया है यू 1 2 3 4 5 6, और अगर हम इसमें से इसी को माइनस कर दें, तो ये सारे एलिमेंट ही रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? हमारे पास खाली सेट ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, मतलब कि 5। तो यहाँ से हमको दो लॉ क्या मिल रहे हैं कि अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और वहीं पर अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको एम्प्टी सेट मिलेगा। ये दो लॉ हमको यहाँ से सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज और लॉ देख लिए हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, और हमको ऐसे भी इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस हमको आना चाहिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके दिमाग में ही बैठ जाएंगे, आप डायरेक्ट ही इसका आंसर बता देंगे, ठीक है ना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 के, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए ना। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसके बाद में लेंगे, क्योंकि सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा ये ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड में? इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, हमको कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको यहाँ पर इन सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होंगे, तो हमको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को रिमूव करके। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट रिमूव करेंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पर ए बी और सी है, तो अगर ए बी और सी को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा? डी ई एफ जी और एच। तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी और एच, जो हो गया आंसर फर्स्ट का। नाउ सेकेंड देखते हैं हम, यहाँ पर बी वाला क्या दिया हुआ है? बी इक्वल टू डी ई एफ और जी। तो अगर हमको बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को रिमूव कर देंगे।
तो जब हम बी वाले सेट को रिमूव करते हैं तो डी ई और एफ जी हमको रिमूव करना है, तो डी ई एफ और जी हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा, ए बी सी और एच, ये हो जाएगा ए बी सी और एच, ठीक है। देन थर्ड देखते हैं हम यहाँ पर, सी वाला देखते हैं, ए सी ई और जी, तो हमको सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी, क्या हो जाएगा, ये सी के एलिमेंट हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ए सी ई और जी, ए सी ई और जी ये हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच। नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। देन फोर्थ तो क्या दिया हुआ है, डी इक्वल टू एफ जी एच और ए, तो इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसके भी एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ जी एच और ए रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, एफ जी एच और ए, क्या बचा, बी सी डी और ई, ठीक है, बी सी डी और ई। नाउ ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। नाउ क्या दिया क्वेश्चन नंबर वन, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, वन से लेकर नाइन तक काउंटिंग है, जिसमें एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है और सेट सी भी दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है इनके कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाला करते हैं हम, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में ए के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए के एलिमेंट कौन से, वन टू थ्री और फोर, तो अगर हम यहाँ से वन टू थ्री और फोर को रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, तो ए के एलिमेंट क्या हो गए, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, ये हो गए ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, ठीक है, हमने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। देन सेकेंड हमको फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, सिमिलर तरीके से इसको भी करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। नाउ तो बी के एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, टू फोर सिक्स और एट, तो यहाँ से अगर टू फोर सिक्स और एट को हम रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये हो गया आंसर सेकेंड वाले का, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन। नाउ थर्ड वाला देखते हैं हम यहाँ पर, अब इस बार थर्ड वाले हमको क्या दिया हुआ है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हमको ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए यूनियन सी फाइंड करते हैं, यूनियन में हम क्या कर देते हैं कि ए के एलिमेंट भी आ जाए और सी के एलिमेंट भी आ जाए, लेकिन उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते थे उनको हम सिर्फ एक बार ही लिखते थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए के एलिमेंट पूरे लिख लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट है ए के, वन टू थ्री और फोर, देन सी के एलिमेंट थ्री फोर फाइव और सिक्स है, तो थ्री और फोर ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे फाइव और सिक्स, देन ये हो गया ए यूनियन सी। अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते थे, तो क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को, तो क्या मिलेगा हमको जब हम यूनिवर्सल सेट में से इसके एलिमेंट माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक काउंटिंग है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेकर नाइन तक, और अभी हमने ए यूनियन सी फाइंड किया उसमें कहाँ तक काउंटिंग आ रही है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो ये वन से लेकर सिक्स तक हम हटा देंगे, तो क्या बचा, सेवन एट और नाइन, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन एट और नाइन, ठीक है, ये हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ वाला देखते हैं हम यहाँ पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फोर्थ वाला भी सिमिलर तरीके से ही दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ए यूनियन बी, वो क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी, तो ए के एलिमेंट क्या क्या हो गए, वन टू थ्री और फोर, वन टू थ्री और फोर, और बी के एलिमेंट क्या क्या है, टू फोर सिक्स और एट, तो यहाँ पर टू और फोर तो आ गया है, सिक्स और एट नहीं आया था, तो उसको भी हमने लिख दिया, ये हो गया ए यूनियन बी। अब अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो किस टाइप से करेंगे कि ये जो एलिमेंट हैं इनको हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इनको रिमूव, यूनिवर्सल सेट हमको क्या दिया था, वन से लेकर नाइन तक पूरी काउंटिंग दी हुई है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, तो
तो उसमें से हम ये एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। तो 1 रिमूव हो गया, 2 रिमूव हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 यहाँ पर आएगा, 6 रिमूव हो गया, 7 आएगा, 8 भी रिमूव हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, 9। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला। उसमें हमको ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये हमने लॉ देखा था कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं तो हमको वापस वही सेट मिल जाता है ए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इसलिए मैंने आपको कहा था कि लॉ अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको यहाँ पर लॉ याद नहीं होते तो आपको फिर यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर कर फाइंड करना पड़ेगा। मुझे याद था तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, देन नेक्स्ट एक टाइम इसका बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि बी के एलिमेंट में से पहले सी के एलिमेंट को हमको रिमूव करना पड़ेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी माइनस सी फाइंड करते हैं, बी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं पहले। तो बी के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 2, 4, 6 और 8, और सी के एलिमेंट क्या क्या है, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ से अगर हम सी के एलिमेंट को रिमूव करें तो यहाँ से 4 रिमूव हो जाएगा और 6 भी रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 और 8। ठीक है, तो बी माइनस सी क्या होगा, 2 और 8। देन अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट भी रिमूव कर देंगे। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग थी। ठीक है, उसमें से हमने 2 और 8 को हटा दिया, तो ये हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्या देगा क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हमको बोला हुआ है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हमको मानना है कि वो यूनिवर्सल सेट है। देन राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी हमको यहाँ पर सेट दिए उन सबका हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि अगर सेट ए में ये एलिमेंट हैं तो हमको वो एलिमेंट फाइंड करना है जो ए सेट में नहीं है, मतलब कि इसको यूनिवर्सल सेट में से हमको रिमूव करना है। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट जो हमको दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। नाउ मैंने यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट ले लिया नेचुरल नंबर का। यहाँ पर मैं 1, 2, 3 करके डॉट 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 भी ले सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 तक काउंटिंग ली है, देन फिर डॉट 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 कर दिया है। ये आगे चलते ही जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है ये। देन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसका क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आंसर भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके टीचर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दें। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स सजेस्ट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। हमको यहाँ पर जो सेट दे रखा है वो इवन नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है। तो अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें इवन नेचुरल नंबर ना आए, मतलब कि अगर हमको यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स ना आए। तो अगर हम इसमें से इवन नेचुरल नंबर को हटा दें, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस टाइप से अगर हम सारे इवन नेचुरल नंबर यहाँ से रिमूव कर दें तो जो सेट बन रहा है आप देख रहे हैं कौन सा सेट बनेगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो मतलब हमारे पास जो सेट मिलेगा वो होगा ऑड नंबर्स का सेट। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, एक्स सजेस्टेड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमने कॉम्प्लीमेंट किस टाइप से फाइंड किया। अगर हमको इवन दिया है तो अगर हम यूनिवर्सल में से सारे इवन नंबर्स हटा देंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे क्या हो जाएंगे, और नेचुरल नंबर्स बचेंगे। ठीक है, ना होते फर्स्ट ऑल आपका हो गया। देन सेकेंड देखते हैं हम यहाँ पर, सेकेंड क्या दिया हुआ है, एक्स सजेस्टेड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। नाउ इस बार हमको सारे ऑड नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, तो अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है
इसका मतलब कि हमको वो सेट फाइंड करना है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर ना हो। तो हम अगर सारे ऑड नेचुरल नंबर हटा दें इसमें से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, अगर हम इन सारों को यहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे तो हमारे पास जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन नेचुरल नंबर का सेट मिल जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो जो नंबर बच रहे हैं 2, 4, 6, 8 सारे इवन नेचुरल नंबर हमारे पास बच रहे हैं। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स सजेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स सजेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। नाउ सेकेंड भी हो गया आपका, थर्ड देखते हैं हम इसका क्या दिया हुआ है, एक्स सजेट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नाउ तो हमको यहाँ पर एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसमें 3 के सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं, और अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वहाँ पर हमको सारे 3 के मल्टीपल्स हमको वहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो अगर हम इसके 3 के मल्टीपल्स यहाँ से हटा देंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस टाइप से हम 3 के सारे मल्टीपल्स हटाते जाएंगे। नौ तो हमारे पास जो सेट बच रहा है वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8, उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और आगे आ रहा है 10, 11, देन आगे आपको पता है डॉट 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 लिखना पड़ेगा। तो ये सेट हमको तो समझ में आ रहा है कि इसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन अगर हम किसी नए व्यक्ति को ये सेट देंगे और उसको बोलेंगे कि आगे बताओ कौन से नंबर आएंगे, तो वो इस सेट को डिफाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको यहाँ ऑर्डर समझ में नहीं आएगा। वो देखेगा यहाँ पर 1, 2 है, देन 3 गायब है, देन 4, 5 है, कुछ तो भी यहाँ पर ऑर्डर आगे आते जा रहा है, तो उसको ये सेट आगे डिफाइन करते नहीं आएगा। मतलब कि ये एक प्रॉपर तरीका नहीं हुआ उसको रिप्रेजेंट करने का। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम वहाँ पर भी इसको किस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर फॉलो हो ही नहीं रहा है, तो हमको वहाँ पर डायरेक्टली इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि हमको जो दिया हुआ है सेट कि x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और हमको यहाँ पर ऐसा सेट बताना है जिसमें 3 के मल्टीपल्स ना हो, तो हम सीधे वहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स नहीं हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर सीधे से वहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक है। जहाँ पर आपको दिया हुआ है x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, वहाँ हम लिख देंगे x इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x सजेस्टेड x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और साथ में हमको ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ पर x क्या है, नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि अगर कोई इस सेट को पढ़ेगा तो सिर्फ ये सोचेगा कि पॉजिटिव मल्टीपल 3 के नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता यहाँ पर x क्या है। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि x यहाँ पर नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था कि नेचुरल नंबर थे, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। या तो आपको यहाँ पर इस टाइप से लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट अ नेचुरल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, या फिर आप इस टाइप से शो करके आएंगे। नाउ तो आपने देखा यहाँ पर कि इस चीज़ को डिफाइन करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं था, हमने सीधे से क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया यहाँ पर। तो मैक्सिमम जगह पर हमको नॉट ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमको हर जगह नॉट ही लिखना पड़े। जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड देखा, हमने वहाँ पर नॉट नहीं लिखा, हमने वहाँ पर इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो आपको भी ये चीज़ यहाँ पर सीखना पड़ेगी कि हर जगह पर नॉट हम नहीं लिखेंगे, मतलब 90% जगह पर नॉट आएगा लेकिन हर जगह पर नॉट नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, जब हम इसको किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ वाला क्या है, x सजेस्ट x इज अ प्राइम नंबर्स, मतलब कि ये जो सेट है सारे प्राइम नंबर्स का सेट है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो हमको वो सेट चाहिए जिसमें प्राइम नंबर्स ना हो। तो हम यहाँ से सारे प्राइम नंबर्स रिमूव कर दें, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, देन 11, देन 13, देन 17, फिर 19, देन 23, 29 एंड सोन, इस टाइप से चलते जाएंगे। अब अगर हम जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका यहाँ पर सेट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, 1, 4, 6, 8, 9, 10। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट हम बना रहे हैं उसको भी कोई ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, हम इसको एक लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी हम सिंपल तरीके से लिख देंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो जो सेट होगा उसमें प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x सजेस्टेड x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर्स, ठीक है।
फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, x such that x is not a prime number. और वहाँ पर भी हमको ये बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है. नाउ तो आपने देखा यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया, नॉट का यूज़ किया. क्यों किया, ताकि हम इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर बन रहा था वो कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं था. आई थिंक अब आप समझ गए होंगे. देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फिफ्थ वाला क्या दिया हुआ है. x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें जो भी नंबर है वो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं. तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हमको ऐसा सेट फाइंड करना पड़ेगा जिसमें 3 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर ना हो. तो हम वो नंबर को रिमूव कर देते हैं. तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, इस टाइप से हो जाएंगे सारे नंबर. और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर भी रिमूव करना है, तो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो नंबर्स बचे हैं उनका सेट क्या बनेगा, 1, 2, 4, 7, 8, 11. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है जिसको हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर पाएँ. तो इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होगा कि हम इस टाइप से लिख दें कि x such that x is a natural number neither divisible by 3 nor 5. मतलब कि ना तो वो 3 से डिवाइड होता है और ना ही 5 से डिवाइड होता है. ऐसे नंबर्स का सेट इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाएगा, ठीक है. नाउ तो हो जाएगा फिफ्थ वाला, x such that x is a natural number neither divisible by 3 nor 5. ठीक है, अब हमको यहाँ पर नेचुरल नंबर को अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है. नाउ तो आप समझ गए होंगे कि जब हम कोई ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो हम वहाँ पर नॉट का यूज़ कर लेते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं. देन सिक्स वाला देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स सच डेट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब यहाँ पर जो सेट दिया वो परफेक्ट स्क्वायर का सेट दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो. तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो गया 1, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है. देन एक हो गया 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, देन 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसको भी रिमूव करना पड़ेगा. देन 25, 36, देन 49, और फिर आगे चलते ही जाएगा, ठीक है ना. तो इनको रिमूव करने के बाद जो ऑर्डर हमको यहाँ पर मिल रहा है वो भी कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. यहाँ पर 2, 3 मिल गया, फिर 5, 6, 7, 8 मिल गया, देन 10, 11, 12, 13 इस टाइप से मिल गया. तो हम इसको एक लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सीधे से नॉट का यूज़ कर लेंगे, x such that x is a not perfect square, ठीक है. x such that x is not a perfect square, जहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को ना. तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा कि ऐसा लिख कर हम किसी अदर व्यक्ति को दें कि इसका सेट क्या होगा, तो वो बहुत जल्दी से डिफाइन कर लेगा कि यहाँ पर एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है. तो हमको इसी टाइप से डिफाइन करना है ताकि हम किसी को दें तो उसको एक बार में ही क्लियर हो जाए कि ये सेट क्या है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम सेवन्थ वाला, क्या दिया हुआ है, x such that x is a perfect cube. तो सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का किया था. यहाँ पर परफेक्ट क्यूब को भी अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो यहाँ पर एलिमेंट बचेंगे उसमें कोई ऑर्डर यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है. तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, नॉट से ही शो करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, x such that x is not a perfect cube, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है. देन एट वाला देखते हैं हम यहाँ पर. अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दिया हुआ है, x such that x plus 5 equal to 8. तो इसको हम किस टाइप से करेंगे, मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ जो आपको दिया हुआ है. इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लें या फिर यहाँ पर डायरेक्ट नॉट का साइन लगा दें. जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एक सॉल्व करके हमको दिया हुआ है x plus 5 इक्वल टू 8. देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स इक्वल टू हो जाएगा 8, 5 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो हो गया एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो सेट हमको दिया हुआ है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पर एक ऐसा सेट बताना है जिसमें 3 ना हो। तो यूनिवर्सल सेट आपने देख लिया, सारे नेचुरल नंबर का सेट हमको दिया हुआ है, उसमें से हमको 3 नहीं चाहिए। तो सेट क्या बन जाएगा, x सच डेट x इज नॉट इक्वल टू 3, जहाँ पर x क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपने देखा कि इसको हमने कितने आसानी से कर दिया सॉल्व करने के बाद। और अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट स्टेप से भी लिख सकते हैं, x सच डेट x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8। अगर ये 8 के इक्वल ही नहीं है, मतलब कि x की वैल्यू भी 3 यहाँ पर नहीं होगी, तो आप इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं और सॉल्व करने के बाद भी स्टेप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, ताकि सामने वालों को जल्दी से समझ पड़ जाए कि यहाँ पर एक ऐसा सेट है जिसमें 3 नहीं आ रहा, बाकी सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 9th वाला क्या दिया हुआ है, एक्स सच डेट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 को, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, देन 2x इक्वल टू 4, तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 2, कैंसिल होकर क्या आएगा 2। तो x यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 के इक्वल है, तो हमको एक ऐसा सेट बताना है जिसमें x 2 के इक्वल ना हो। तो हम इस तरह से बताएंगे, x सच डेट x नॉट इक्वल टू 2, जहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। देन अब हम देखते हैं 10th वाला क्या दिया हुआ है, x सच डेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है उसमें जितने भी नंबर दिए हैं सारे 7 या 7 से बड़े हैं, मतलब जो सेट स्टार्ट हो रहा है 7, 8, 9 एंड सोन चलता ही जाएगा, ये सेट हमको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें 7 से बड़े सारे नंबर्स नहीं हो, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, 1 से लेकर 6 तक, सिंपल है। तो हो जाएगा x सच डेट x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से ही शो करे हुए हैं। देन एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन ये रोस्टर फॉर्म जैसा लग रहा है, तो दूसरा तरीका इसको शो करने का ये भी हो जाएगा, x सच डेट x, जहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेकर 6 तक, और x इसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, एक तरीका ये भी हो जाएगा। या आप चाहो तो इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, x सच डेट x लेस देन इक्वल टू 7, जहाँ पर x प्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। जैसा यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ था, हमने क्या किया कि लेस देन वाले सारे नंबर्स ले लिए, मतलब कि हो गया 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया। देन ये हो गया x सच डेट x लेस देन 7, मतलब 7 से सारे छोटे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 11th वाला क्या दिया हुआ है, x सच डेट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, 1 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो हो गया 2x ग्रेटर देन 9, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन 9 अपॉन में 2, और 9 अपॉन 2 कितना होता है, लगभग 4.5, 4.5 के लगभग होता है। तो यहाँ पर x वो सारे नंबर्स है जो कि 4.5 से बड़े हैं, और नेचुरल नंबर है, मतलब कि 4 से बड़े सारे नंबर्स हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 5, 6, 7, 8 से लेकर इनफाइनेट तक। तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो हो जाएगा x सच डेट x इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमको नेचुरल नंबर्स बोला है। या आप इसको स्टेप से भी शो कर सकते हैं, x सच डेट x लेस देन 5, जहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसा भी चाहे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए ना। तो आपने देखा अधिकतर क्वेश्चन में हमने क्या किया, नॉट का यूज़ किया था यहाँ पर, लेकिन सब में हम यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा हमने फर्स्ट और सेकेंड में देखा था कि हमने वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं किया था। इसी टाइप से अगर फोर्थ वाले को भी आप देखें, तो यहाँ पर हमको यहाँ दिया था कि प्राइम नंबर का सेट है, तो अगर हम प्राइम नंबर्स को इसमें से रिमूव कर दें तो जो बचेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जो 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो हमको वहाँ पर 1 को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नॉट का यूज़ ही कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर
इस टाइप से भी इसको शो कर सकते हैं कि x सजेट x इज अ कंपोजिट नंबर्स एंड x इक्वल टू 1, ठीक है, कि x 1 भी है और x कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है, इस टाइप से भी आप इसको शो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4th क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में इफ यूनिवर्सल सेट हमको दे रखा है एक, और सेट ए और बी दे रखा है, और हमको बोला है वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 1 और 2 जो दोनों दिए हुए हैं, ये डी मॉर्गन्स लॉ है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो अब यहाँ पर हमको उन्हीं को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको उस समय वेरीफाई करके बताया भी था, और मैंने आपको वहाँ पर कहा भी था कि दूसरे वाले को हम एक्सरसाइज में वेरीफाई करेंगे ना। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं फर्स्ट वाले का, ए यूनियन बी ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन होता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है? 2, 4, 6 और 8। देन बी के साथ यूनियन करना है इसका। बी में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से है? 2, 3, 5 और 7। तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आएगा सीधे? 3, 5 और 7, ठीक है ना। ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमको इसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा वो? यहाँ से हम 2, 4, 6, 8 और 3, 5 और 7 को रिमूव कर देंगे, 3, 5 और 7 को। तो यहाँ पर क्या बचा? 1 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 और 9, ठीक है। देन ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो 2, 4, 6 और 8 को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या आएगा? 1, 3, 5, 7 और 9। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7 और 9। देन इसी टाइप से हम बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करेंगे। वो क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बी के? 2, 3, 5 और 7। तो 2, 3, 5 और 7 को हमने रिमूव कर दिया। तो क्या क्या बचा यहाँ पर? 1, 4, 6, 8 और 9। 1, 4, 6, 8 एंड 9। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। और अब हमको इनका इंटरसेक्शन करना है। तो आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है? कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं इनका इंटरसेक्शन। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 और 9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ये हमारा था लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला था हमारा राइट हैंड साइड, दोनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इस बार हमको सेकंड वाला प्रूफ करना है। इसके लिए हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा वो? ए के भी एलिमेंट सारे और बी के भी एलिमेंट सारे, उस दोनों में से जो कॉमन आएगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 है एक एलिमेंट, और बी के एलिमेंट क्या है? 2, 3, 5 और 7। कॉमन कौन सा एलिमेंट आ रहा है? सिर्फ 2 ही यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। देन इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमको। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हम यूनिवर्सल सेट में से 2 को रिमूव कर देंगे, तो जो बचा वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देन ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस टाइप से फाइंड करेंगे हम? ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, 4, 6 और 8 को रिमूव करेंगे तो 2, 4, 6 और 8 हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो बचा 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7 और 9। देन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम इसी टाइप से, वो क्या होगा 2, 3, 5, 7 को अगर हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, 2, 3, 5 और 7, तो क्या बचा 1, 4, 6, 8 और 9, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 4, 6, 8 और 9। देन अब हमको इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन क्या होता है कि इसके भी एलिमेंट आ जाए और इसके भी एलिमेंट आ जाए उसमें, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं पूरे 1, 3, 5, 7 और 9। देन बी के एलिमेंट में 1 आ रहा है जो कि हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर अदर एलिमेंट कौन से, 4, 6, 8 और 9, 4, 6 और 8 और 9 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं पहले। तो आप देख रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर भी वही एलिमेंट है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, बस यहाँ पर एलिमेंट आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो आपको पता है कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये वाला भी प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर डी मार्गस के दोनों लॉस को वेरीफाई किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ तो अभी हमने वेन डायग्राम वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, देन अभी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट यूनिवर्सल सेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है जिसमें सारे ट्रायंगल्स कंसिडर किए हुए हैं, मतलब कि जो हमको यूनिवर्सल सेट दिया है इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स। देन आगे दिया हुआ है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए एक ऐसा सेट हमको दिया हुआ है जिसके अंदर जो भी ट्रायंगल्स हैं उसमें से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एटलीस्ट, मतलब कम से कम, इस टाइप की टर्म्स हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं, धीरे धीरे आपको भी समझ पड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमको सेट ए क्या दिया हुआ है, जहाँ पर सारे ट्रायंगल्स में से कम एक ट्रायंगल्स का एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो आपको कम से कम दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 60 डिग्री से अलग एंगल वाले ट्रायंगल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका सेट बनाएं तो किस टाइप के सेट बनेंगे, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो कोई भी डिग्री के एंगल का ट्रायंगल यहाँ पर हो सकता है जो कि 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो आपको पता है जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी एंगल्स के ट्रायंगल होंगे उनको हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर जितने भी एंगल्स के ट्रायंगल्स होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट में से रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 60 डिग्री वाला ही बचेगा। तो यहाँ पर जो सेट हमको मिलेगा वो सिर्फ 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का सेट ही मिलेगा। अगर इसका हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे मैंने एक सेट ले लिया कि समोसे का एक सेट है और मुझे कम से कम उसमें से एक समोसा खाना है, तो अगर मैं उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो क्या हो जाएगा कि मुझे अगर कम से कम एक खाना है, इसका मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो मुझे उसमें से एक भी समोसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में वही आता है जो उसका नॉट हो। तो अगर मुझे कम से कम एक समोसा उसमें से चाहिए, तो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा तो इसका मतलब मुझे उसमें से एक भी समोसा नहीं चाहिए। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो अगर हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या निकलेगा कि सारे एंगल 60 डिग्री के ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि सारे एंगल कितने के होना चाहिए, 60 डिग्री के ही होना चाहिए। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वो क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक ऐसा सेट है जिसमें 60 डिग्री से अलग सारे एंगल वाले ट्रायंगल है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि सारे ट्रायंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री के एंगल के होंगे। और आपको पता है कि 60 डिग्री वाले सारे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल
इक्विलेटर ट्रायंगल। नाउ यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पर जो हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वहाँ पर हमको ऐसी चीज लिखना है ताकि जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। हाँ, तो इस टाइप के एग्जाम्पल हमने देखे थे जब हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहाँ पर देखे थे इस टाइप के एग्जाम्पल, तो उन्हीं को हम यहाँ पर फिल करेंगे। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, अगर हमको याद नहीं है तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। जैसे ए हमने कोई सेट ले लिया 1 और 2, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट भी हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा, वो भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ मैं। देन ए का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो अगर हमने ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से फाइंड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 4 निकलेगा। देन जब हम यहाँ पर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या होता है, इन दोनों के एलिमेंट उसमें आने चाहिए, तो हो जाएगा ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 के। और आप देख रहे हैं ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आ गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधे सीधे यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का। तो अगर आपको याद नहीं है प्रॉपर्टीज़ तो आप इस स्टेप से कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको फाइंड कर सकते हैं। देन सेकेंड देख लेते हैं हम इसी एग्जाम्पल से, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो सेट आएगा वो क्या होगा, खाली सेट, और उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। देन अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देखा था कि जब भी हम किसी खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से हम खाली सेट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा U, मतलब कि यूनिवर्सल सेट का U, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया कि जो एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, ठीक है। देन यूनिवर्सल सेट का हमको इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है और एक सेट दिया है 1 और 2। देन इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा, ठीक है। तो किसके इक्वल आ रहा है, वो सेट ए के इक्वल ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे सेट ए, ठीक है। देन फोर्थ वाला देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ये भी देखा था कि जब भी हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका मतलब यूनियन सेट में से ही यूनियन सेट को माइनस करना, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। और आगे उसका इंटरसेक्शन करना हमको ए के साथ, तो खाली सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ होगा तो क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेट तो खाली है और ए वाले सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, तो हमको यहाँ पर खाली सेट ही मिलेगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई ही होगा, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं थी, फिर भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करना है, लेकिन आपको बस सिर्फ देखना है ताकि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। देन ये वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बचा है आपका 5th वाला, जो कि वेन डायग्राम पर बेस्ड है ना, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि हमको सबसे पहले वेन डायग्राम को समझना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।